अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे एटीएन टीवी एनी टाइम न्यूज। काजिम अली मौसवी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार का शुक्रिया अदा किया और उनसे एक अपील की। काजिम अली मौसवी, आप लोगों के दरमियान ये बयान दे रहा हूँ मैं कि मुहर्रम इस वक्त शुरू होने के इनकामात है, जिसके अंदर हर साल बीबी के अलावे से जो हाथी के ऊपर अलम मुबारक निकल के कदीम 400 साल तारीख की जो जुलूस निकलता है, जिसमें आज़ादार बड़े पैमाने पर इस जुलूस में रहते हैं और कई अकीदतमंद अपने अपने जगहों पे बीबी के अलम का इस्तकबाल करते हुए सिरा चढ़ाते हैं। और इसी तरीक़े से जो है ये हर साल की तारीखी रिवायत है, मगर अब के हालात ऐसे हैं जो कोरोना जो मर्स चल रहा है, जो सारी दुनिया में इसकी जो है बहुत बड़ी जो है सारी दुनिया में लोग परेशान है इस बीमारी से। हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं, हज़ारों की तादाद में बीमार है इस मर्ज से। एक से चार जने, एक से दस जने एक दूसरे को मरस, एक आदमी को अगर ये बीमारी है तो 100 को भी मुतासिर कर सकता, 100 जने 1000 को मुतासिर कर सकते हैं। बहुत गलीज बीमारी है ये, जिससे हुकूमत हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे इंतज़ाम कर चुकी है। और मैं ये चाहता हूँ कि कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि बेहतरीन कमिश्नर है आप, और सिटी के कमिश्नर के अलावा भी अखलाक के, किरदार के और तारीख़ी मालूमात भी आपको बेहतरीन है, जिसमें मैं आपकी हर तकरीर सुनता हूँ और मेरा दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला परवरदिगार आलम आपको सेहत से रखे। और मैं आपसे उम्मीद रखा हूँ कमिश्नर पुलिस साहब से कि हमारी आज़ादारी के लिए आप जितना हो सके हमारी आज़ादारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारी आज़ादारी में कोई दखल ना हो, हमारी आज़ादारी में कोई रुकावट ना हो, हमारी आज़ादारी में जो है किसी किस्म की कोई चीज़ पहुँचे। आप पे हमको इत्मीनान है, KCR साहब पे भी हमको भरोसा है, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी हमको भरोसा है, जो बीबी के अलम की तारीख में हमेशा तमाम लोग साथ दिए। मजलिस के तमाम अरकान से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमेशा बीबी के अलम के हो या आज़ादारी हो, कोई भी हो, मजलिस हमेशा शिया कायदीन के साथ रही और आज़ादारी में मुकम्मल तरीक़े से तहफ़ की। मैं एक बात मेन ये कहना चाहता हूँ इस वक्त कि जो बीबी का अलम निकलता है उसके साथ में जो लोग तमाशबीना रहते हैं, मैं कमिश्नर पुलिस साहब से गुजारिश करता हूँ कि तमाशबीनों को पाबंद कीजिए। आप बड़े पैमाने पर तमाशबीना रहते हैं, ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड, इधर इधर हर जगह जो है बहुत तादाद पे रहते। इस वक्त ये टाइम नहीं है जो तमाशबीना साथ में रह के किसी किस्म की कोई बीमारी को मुतासिर करके जो किसी भी वजह से कुछ काम कर सके। तमाशबीनों का ये आलम रहता कि एक के ऊपर एक रहता, बड़े पैमाने पे लोग गांवों से, अदलाओं से, शहरों से आते बीबी का आलम देखने के लिए। मैं कमिश्नर पुलिस साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसा बंदोबस्त करिए जो तमाशबीना जो है ना बीबी के अलम के साथ ना रहे, आज़ादारी के साथ, जो आज़ादारी जो बीबी के अलम की है, जो भी कानून, जो भी लोग बड़े लोग इस सिलसिले में जो भी बीबी के अलम के बारे में बड़े लोग जो भी फ़ैसला करें उसको हर कोई मानना चाहिए, शिया हो और कोई हो, कोई भी हो। बहरहाल हमारी आज़ादारी के लिए जो कुछ भी अगर फ़ैसला कमिश्नर पुलिस साहब रखेंगे हम उसको मद्देनज़र रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए कोई भी फ़ैसला उठाएंगे। मसला इस वक्त आज़ादारी का नहीं है, मसला इस वक्त जो है बीमारी का मसला है, जो गलीज़ बीमारी है जो कोरोना है इस वक्त, वो बीमारी से जो है महफूज रहने के लिए जो भी ठोक इकदाम करेंगे। और शिया कायदीन भी जो है अपने इत्तेखाद, उनका क़यामत तलक बाकी रहने वाला है, उनके इत्तेखाद को कोई कमी नहीं पहुँचाने वाला है, उनकी आज़ादारी को कोई कमी नहीं पहुँचाने वाला है। शिया कायदीन हमेशा से जो है आज़ादारी करते हैं, आज़ादारी अपनी जगह
मुकम्मल तरीके से होंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।